गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, भगवान की कृपा से आप लोग भी अच्छे रहें। बड़ों का मेरा राम राम और छोटों का मेरा प्यार। आज है लक्ष्मी पूजा, घर में लक्ष्मी पूजा करूँगी। तो सुबह से बहुत भागा दौड़ी करके काम काज मैंने ख़त्म किया। अभी कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा, पूजा का बर्तन साफ करना सब हो गया, क्योंकि मैं आप लोगों से के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि अकेले अकेले करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो कैमरा लेके कोई घर में भी नहीं है, दोनों बच्चे मेरे बाहर घूमने गए हैं, तो घर में भी कोई नहीं है, काम काज अकेले करना पड़ रहा है और हस्बैंड दुकान में चले गए। शाम को पाँच बजे पूजा करेंगे, तो पहले से तैयारी करना है। इस बार थोड़ा ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि इतना हो नहीं रहा है। सुबह भी डॉक्टर साहब आए थे और कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि डॉक्टर साहब से मिले, आप लोगों को दिखाया, तो वो डॉक्टर साहब जो चेकअप के लिए ऑनलाइन चेकअप किया, फिर वो आए थे चेकअप करके गए। फिर वो जाने के बाद मैंने सारा कपड़े उपड़े बाहर डाला, और भी बहुत काम रहता है ना घर में, तो सारा कंप्लीट कर लिया। अभी मैं रंगोली बनाऊंगी, आप लोगों को बना के मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अकेले से इतना होता नहीं ना कि बनाओ और दिखाओ, होता है लेकिन वो क्या है, स्टैंड लगाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तो टाइम थोड़ा चला जाता है। तो मैं रंगोली बना के फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो चलिए मैं रंगोली बनाती हूँ, और मैंने नहा लिए, नहा के घर का पूजा एक साथ ही करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि मैं पूरा दिन क्या क्या करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। दो को क्या कर रहे हो? कपड़ा उपड़ा धो दिया सारे, और ये देखिए सुबह उठ के मैंने सारा काम किया, ये बाहर आंगन वंगन झाड़ू लगाया और ये सब धो धा के साफ करके। ये अभी आज धूप बहुत अच्छा निकला है, तो इसलिए सारा कपड़े उपड़े जल्दी जल्दी करके धो दिए, क्योंकि घर के काम, फिर खाना बनाना, फिर पूजा का काम करते करते। ये फूल बेलपत्र और ये धूप मैं उठा के लेके आ गई, क्योंकि अभी फूल ज़्यादा नहीं खिलते हैं, तो दुकान से ही फूल लाना पड़ेगा। ये सब थोड़ा बहुत फूल मिला है, और ये चौक भी धो के रखा है, इसको रंगोली बनाऊँगी। कैसे बनाती हूँ फिर आप लोग से शेयर करती हूँ। ये कर ले सर, तीन चटा बार कर।
ये मेरा बहुत दिनों की इच्छा थी ना कि इसी बर्तन में मैं भगवान जी की भोग लगाऊंगी, तो आज वो मेरा मन की इच्छा पूरी हो गई है। तो अभी चलिए चलते हैं, अभी भोग के लिए तैयारी कर लेते हैं। फिर फल काटना है, शाम को 5 या 6 बजे पूजा होंगे, तो तब तक के लिए मैं तैयारी कर लूँगी। तो चलिए देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। पहले बताया था ना कि ताड़का बीज फिर इसका फल निकलता है, तो फल निकलने के लिए पेड़ निकला है, फिर इसको काटेंगे ना, इसके अंदर से जैसे नारियल का फूल निकलते हैं ना, इससे निकलता है जो हमने खाया था ताड़ का बीज, वही वाला है। तो ये लक्ष्मी पूजा में लगते हैं। वैसे बहुत सारा है, मैंने 2 ही निकाला है, तो ये 2 अभी साफ करके फिर काट के फिर आप लोगों को बता दूँगी। इसको अभी काटेंगे, काट के फिर बताते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर से ऐसे निकलता है। ये देखिए, इस टाइप का निकलता है। ये लक्ष्मी जी की पूजा में ये चढ़ाते हैं। नारकेल मिष्टी बनाने के लिए ये जो नारकेल का पूरी ये नारकेल मिष्टी बनाते। ये मैं तिल की लड्डू बनाऊंगी, इसके लिए तिल को फ्राई कर रही हूँ, और ये नारियल के लड्डू बनाऊंगी, जो हमारे बंगाली में बंगाली की पूजा में नारियल के लड्डू और ये तिल के लड्डू और ये नारियल रखी हूँ, इसको गुड़ के साथ लड्डू बनाऊंगी। ये तीनों लड्डू बंगाली में जो पूजा होता है लक्ष्मी पूजा के लिए, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। और भी है, वो लाई जिसको बोलते हैं, लाई का भी गुड़ से बनाऊंगी, ये पूजा में देते हैं हमारे इधर। कमल के फूल, कमल के फूल लक्ष्मी पूजा में चढ़ाते हैं, तो बहुत मुश्किल से मिलता है कमल का फूल, तो ये भी लेके आए। काली सा था ना, इसको खिलाना पड़ता है। Thank you.
मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। सुबह से अभी शाम हो गया, रात को 8 बज गए, पूजा मेरा कंप्लीट हो गया। हस्बैंड भी आए थे, थोड़ा दुकान बंद करके वो भी चले गए। आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताना जरूर, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, जय लक्ष्मी।